हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 2, जो कि है खेल कूद में महिलाएं और बच्चे। तो बच्चों, ये है चैप्टर आपका 2। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर 2 है, हम आपको दो पार्ट्स में दिखाएंगे, मतलब समझाएंगे एक तरह से। तो ये जो आज हम करेंगे पार्ट 1 है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो आसन संबंधी विकृतियां होती हैं, यानी कि कॉमन डिफॉर्मिटीज जो होती हैं, वो कौन कौन सी है और उसके सुधारात्मक उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती क्या है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है जब आपके उठने बैठने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो जाती है। उससे क्या होता है, आपकी शरीर की बनावट में गड़बड़ हो जाती है। तो जब शरीर की बनावट में गड़बड़ होगी तो कॉमन सी बात है, पोस्चर डिफॉर्मिटी तो होनी ही है। तो बेसिकली पोस्चर डिफॉर्मिटी आपके खड़े होने, बैठने के तरीके से, चलने फिरने के तरीके से होती है। तो आप जान लेते हैं कि ये किस वजह से होता है। तो बेसिकली इसका सबसे फर्स्ट रीजन हम जानेंगे, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पृथ्वी हमारी गोल है, गोल गोल घूमती भी रहती है, और उस पृथ्वी में आप सीधे खड़े हो, उल्टे खड़े हो या साइड पे खड़े हो, आपको भी नहीं पता। लेकिन आप सीधे खड़े हो, अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हो, तो वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अगर आप गलत पोस्चर में बैठते हो तो जो हमारी उस बॉडी पार्ट की मसल होगी वो ज्यादा इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से हमें पोस्चर डिफॉर्मिटी होती है। तो सेकंड है हमारा चोट, यानी कि इंजरी। तो कई बार हमें चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो जाए या उसमें ऐसी चोट लग जाए जिसमें हम खड़े नहीं हो पा रहे या चल फिर नहीं पा रहे, तो उससे भी हमें पोस्चर डिफॉर्मिटी हो जाती है। थर्ड आता है हमारा डिसीज, यानी कि बीमारी। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे हमारी मसल्स या जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उससे भी हमें पोस्चर डिफॉर्मिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि आपने पोलियो सुना होगा, और पोलियो क्या होता है वो भी सबको पता होगा। तो पोलियो भी एक तरह से डिफॉर्मिटी में ही काउंट होता है, जिसमें जो हमारी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। फिर आता है हमारा हैबिट, यानी कि आदत, जो कि हम सबकी बहुत बिगड़ी हुई है आफ्टर लॉकडाउन। तो हमारे जो उठने बैठने का तरीका है, चलने फिरने का, वो बहुत ज़्यादा ही खराब हो रखा है, और इस खराब तरीके की वजह से भी हमें पोस्चर डिफॉर्मिटी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर क्लोथिंग। तो बच्चों क्या होता है कि कई बार हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, जैसे स्किन फिट के कपड़े पहन लेते हैं, प्रॉपर टाइट जूते पहन लेते हैं टाइट, जिसकी वजह से हमें अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। लेकिन हम क्या होता है कि उस अनकम्फर्टेबलनेस को छुपाने के लिए अपने फ्रेंड्स के सामने या लोगों के सामने अलग अलग पोस्चर्स में खड़े होने लग जाते हैं। तो वो अलग अलग पोस्चर आपकी डिफॉर्मिटी का कारण बन सकती हैं। फिर आता है आपका ओबेसिटी। तो ओबेसिटी तो वैसे हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, हर किसी रीज़न का बेसिक जो हमारा है मोटापा है। जब आपकी मसल्स पे, हड्डियों पे वेट ज़्यादा पड़ेगा तो कॉमन सी बात है आपको पोस्चर डिफॉर्मिटी होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आसन संबंधी सामान्य विकृतियाँ, कि कौन कौन सी डिफॉर्मिटी है कॉमन। तो इसमें हम पढ़ेंगे नॉकनीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लोडोसिस, काइफोसिस, पोलेक्स और स्कोलियोसिस। तो नेक्स्ट है आपका नॉकनी। नॉकनी क्या होता है बच्चों? इसमें जो आपके घुटने होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। जैसे कि ये दोनों पिक्चर में दिख रहा है, एक में नॉर्मल आपके नीज हैं और दूसरे में आपके नीज आपस में जुड़ रहे हैं, और जो नीचे पैरों का गैप है वो बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं नॉक नी के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है हमारा विटामिन बी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी। फिर नेक्स्ट है हमारा अविकसित पैरों पर अधिक भार ढोना। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया था कि जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें जबरदस्ती नहीं चलवाना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका मोटापा।
तो अभी आपने देखा होगा पीछे हर डिफॉर्मिटी में मैंने मोटापा आपको बताया ही है। तो बेसिकली मोटापा आपकी हर डिफॉर्मिटी कह लो या डिसीज का एक मेन कारण भी माना जाता है। तो चलिए बच्चे इसके उपाय देखेंगे अब क्या क्या हैं। जैसे हो गया घुड़सवारी हो गई, साइकिलिंग हो गई, गोमुखासन होता है जो आपको पता होगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, जैसे आप सो रहे हो तो अपने दोनों पैरों के बीच में आप पिल्लो रख सकते हो ताकि आपके जो घुटने हैं वो आपस में ना टकराएं। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लैट फुट, जिसे कि चपटे पैर बोलते हैं। तो जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, दो फोटोज लगी हुई है, एक में नॉर्मल फुट दिखाया हुआ है आपका और एक में फ्लैट फुट दिखा रखा है। तो नॉर्मल फुट में क्या है, हल्का सा कर्व आपको दिख रहा होगा नीचे जो रेड लाइन है आपके, और जो फ्लैट फुट है उसमें आपकी जो रेड लाइन है एकदम स्ट्रेट है और उसमें जो आपके पैर के नीचे कर्व नहीं बन रहा। इसे आप और अच्छे से अगर प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आप अपने पैरों को गीला कीजिए और फर्श पे चलिए, तो आपके फर्श पे जो मतलब निशान बनेंगे आपके पैरों के, आप उससे भी पता कर सकते हो कि आप फ्लैट फुट हो या नहीं हो। तो अब जानते हैं इसके क्या क्या कारण है, फ्लैट फुट के रीजंस क्या हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा कमजोर मांसपेशियां। तो अगर आपके पैरों की मसल्स ही वीक है तो आपको ये डिफॉर्मिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक भार ढोना। तो क्या होता है बच्चों कि जैसे एक नॉर्मल कोई भी पर्सन है, अगर वो रेगुलर बहुत ज्यादा ही वेट उठा रहा है और इधर उधर चल रहा है वेट ज्यादा लेके, तो उससे क्या होगा, उसकी जो पैरों की मसल्स हैं उसके ऊपर ज्यादा वेट आएगा, और अगर ज्यादा वेट आएगा तो मसल्स भी वीक होंगी, और मसल्स वीक होंगी तो कॉमन सी बात है ये डिफॉर्मिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका मोटापा। तो जब आपका मोटापा बढ़ेगा उसमें भी आपने एक तरह से वेट कैरी कर लिया है, चाहे वो बाहर से कोई वेट एक्स्ट्रा नहीं उठाया पर आपकी बॉडी का वेट तो बढ़ गया ना। तो बॉडी का वेट पड़ा तो उससे भी आपका जो वेट है वो ज्यादा आपके घुटनों पर पैरों पर आएगा और ये डिफॉर्मिटी होने के चांसेस उससे भी ज्यादा रहेंगे। फिर आता है हमारा गलत जूते। तो क्या होता है, कई बार हम ऐसे शूज ले लेते हैं जिसका सोल बहुत हार्ड होता है, एकदम फ्लैट होते हैं वो शूज, उससे क्या होता है पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उससे भी ये डिफॉर्मिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या सावधानियां हैं। तो सबसे पहले है सही आकृति और आकार के जूते पहने। फिर नेक्स्ट आता है आपका ज्यादा देर नंगे पैर ना घूमें। देन नेक्स्ट है आपका मोटापे से बचें। फिर है आपका शिशुओं को जबरदस्ती चलने के लिए विवश ना करें। देन नेक्स्ट है आपका ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें। तो अब इसके उपाय देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो एक्सरसाइज दिखा रखी है, इसके अलावा आप स्किपिंग कर सकते हैं, रेत पे चल सकते हैं, इन सबसे भी ये डिफॉर्मिटी ठीक होती है। देन आपका है बोलेग। बोलेग में क्या होता है बच्चों, जो आपके नीज हैं वो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं और जो आपके पैरों का नीचे पैरों का स्पेस रहता है वो नॉर्मल ही रहता है। तो जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहे हैं बच्चे के घुटने जो हैं वो बाहर की तरफ हैं। तो अब देखेंगे कि बोलेग के क्या क्या कारण है, यानी कि किन कारणों से ये सब होता है। विटामिन बी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। फिर नेक्स्ट है हमारा अविकसित पैरों पर अधिक भार ढोना। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया था कि जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें जबरदस्ती नहीं चलवाना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका मोटापा। तो अभी आपने देखा होगा पीछे हर डिफॉर्मिटी में मैंने मोटापा आपको बताया ही है। तो बेसिकली मोटापा आपकी हर डिफॉर्मिटी कह लो या डिसीज का एक मेन कारण भी माना जाता है। तो चलिए बच्चे इसके उपाय देखेंगे अब क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है जैसे कि विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लें। इसके अलावा है पैरों के अंदर के किनारों पर चलने से इस विकृति को ठीक किया जा सकता है। देन आपका लास्ट है रेत पर चलें। रेत पर चलने से भी इस डिफॉर्मिटी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2 के।
तो ये तो आज हमने कर लिया पार्ट वन। पार्ट टू के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, जल्दी ही वो भी अपलोड हम कर देंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।